मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर थर्ड पर डिस्कस करेंगे। इसकी पहली तीन एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज है 3.4। जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर थर्ड है उसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का या 4 नंबर का पूछा जाता है। उसमें पूछता है या तो सॉल्व द इक्वेशन, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, या सॉल्व द इक्वेशन बाई मेथड दे देता है, बाई सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? तो यहां पे आपका 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यदि आपके ये तीनों मेथड क्लियर हैं। सबसे पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन है, जो हम पहली एक्सरसाइज में करा चुके हैं 3.3 में। दूसरा मेथड है आपका एलिमिनेशन, और तीसरा मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? तीसरा मेथड मल्टीप्लीकेशन आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपसे पूछता है कि सॉल्व द इक्वेशन, तो आपको कोई भी मेथड जो आपसे अच्छे से आता हो उस मेथड को यूज कर सकते हैं। और यदि आपसे मेथड पूछता है तो उसी मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिस मेथड से आपके लिए पूछता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम जैसे आपका एक्सरसाइज 3.4 यहाँ लेते हैं, और एक्सरसाइज 3.4 में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। जैसे आपका यहाँ मैंने लिया एक्स माइनस के वाई या एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर? और 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू आपका है 4। तो ये आपका क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग, जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। क्लियर? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पहले कर चुके हैं, यहाँ आपसे दोनों मेथडों से सवाल पूछा है। तो देखिए, ये हमारा सवाल है, इसको हम इस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड डाल देंगे। क्लियर? अब एलिमिनेशन के लिए क्या करना है कि जो हमारा एक्स वेरिएबल है या वाई वेरिएबल है, तो हमारे 2 वेरिएबल है यहाँ पे एक्स और वाई। हम इसमें एक्स को या वाई को इक्वल करेंगे। अगर आप चाहें तो वाई को इक्वल कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक्स को इक्वल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ अगर हम एक्स को इक्वल करना चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? बोथ साइड्स। एंड अगर हम वाई को इक्वल करना चाहें तो आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट में। तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड एड इन, क्या है, एड इन कर देंगे। तो क्या हो गया, 3x + 3y इज इक्वल टू 15, यो आपका 2x - 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट में ही मल्टीप्लाई किया है, सेकंड में नहीं किया है, सेकंड सेम है। तो आप देखिए, मैंने कहा था एडिंग, और एडिंग करने पर आपका क्या है, कोई भी साइन, यहाँ एडिंग कर रहे हैं तो एडिंग करने पर आपका कोई साइन चेंज नहीं होता। तो देखिए, आप क्या करेंगे, जब हमने इक्वल किया है उसके बाद हम देखते हैं साइन को, जिसमें पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव है, वो हमारी बात यहाँ पे एडिंग की है, तो एडिंग में क्या है, साइन सेम रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया आपका 5x = 19। क्लियर? अब x = क्या हो गया 19y 5। तो x की वैल्यू आपको मिल गई। क्लियर? तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रखें या किसी में भी रखें, सेकंड में रखें, तो x की वैल्यू पुट कीजिए 19y5 + y इज इक्वल टू क्या है 5। क्लियर? तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 5 - 19y 5। अब सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 25 - 19/5 = 6y 5। इस प्रकार से आपको एलिमिनेशन मेथड सभी मेथडों में बहुत ही सिंपल होता है। इसमें आपको जो वेरिएबल है उन वेरिएबल को इक्वल करना है,
इक्वल करने के बाद आपको देखना है सबट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होगा और एडिंग करना है तो साइन सेम रहेगी। क्लियर। इस प्रकार से आपका एलिमिनेशन मेथड। अब आपका सवाल वही है, अब आपसे कह रहा है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से कह रहा है, तो देखिए पहले भी कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस के वाई, इसको हमने कह दिया कि इक्वेशन थर्ड। क्लियर। इक्वेशन थर्ड डाल देते हैं, ये आपको मालूम ही है कि ये एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू आपको करना है। उसके बाद इक्वेशन थर्ड क्लियर हो गया। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड में रखी तो क्या हो जाएगा टू एक्स फाइव माइनस के वाई माइनस के थ्री वाई इज इक्वल टू फोर। क्लियर। सॉल्व करेंगे टेन माइनस टू वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर, माइनस के क्या हो गया फाइव वाई इज इक्वल टू फोर और ये आपका माइनस के टेन माइनस के फाइव वाई इज इक्वल टू माइनस के सिक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो फाइव वाई इज इक्वल टू क्या हो गया सिक्स और वाई इज इक्वल टू क्या हो गया सिक्स वाई फाइव। अब क्या है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन किस में रखें थर्ड में रख दें, इक्वेशन थर्ड किसी में रख सकते हैं और थर्ड में रखेंगे क्लियर आपकी एक्स की वैल्यू फाइंड होगी एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस के और वाई की वैल्यू है आपकी सिक्स वाई फाइव, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स अपॉन फाइव, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया नाइनटीन वाई फाइव। आप किसी भी मेथड से करें तो पहली भी आपकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू इतनी और वाई इज इक्वल टू आपकी ये फाइंड हुई थी। इसी प्रकार से आप कोई भी मेथड यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन करें या आप एलिमिनेशन करें या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है, तो इसको पहले हम एक क्वेश्चन बनाएंगे क्या हो जाएगा एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आ गया सिक्स, तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस वन, तो क्या हो गया क्लियर यहाँ आपका थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ क्लियर कर देंगे। और सेकंड है देखिए तो यहाँ पे भी आपका थ्री एलसीएम आ रहा है तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू थ्री, तो क्या हो गया थ्री एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू नाइन, इक्वेशन सेकंड। देखिए यही क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करना है दोनों मेथडों से, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनको थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स आपका इक्वेशन फर्स्ट है और यह आपका थ्री एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू नाइन, ये आपका इक्वेशन सेकंड। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे पहले अगर हम बाई एलिमिनेशन मेथड लेते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड से अगर इस सवाल को करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने कहा था एक्स इक्वल या वाई इक्वल करना है, बट यहाँ पे तो आपका एक्स इक्वल है तो हमें आगे कोई करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करें इन दोनों को थ्री एक्स प्लस के फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स और थ्री एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू नाइन। क्लियर। यहाँ आपके ये दोनों इक्वेशन है, कोई भी इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है, बट क्या है मैंने कहा था जब इक्वल करते हैं तो फिर साइन देखते हैं, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन डिफरेंट है तो क्या करते हैं एडिंग, ये आप ध्यान रखें। तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया आपका फाइव बाई इज इक्वल टू माइनस के फिफ्टीन। क्लियर। तो वाई इज इक्वल टू माइनस के फिफ्टीन अपॉन फाइव, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका माइनस के थ्री, तो y की वैल्यू को पुट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
फर्स्ट रखें या सेकंड किसी में रखें, रखिए थ्री एक्स प्लस फोर वाई की वैल्यू है माइनस थ्री इजकल टू माइनस सिक्स, थ्री एक्स माइनस के ट्वेल्व इजकल टू माइनस के सिक्स, थ्री एक्स इजकल टू माइनस सिक्स प्लस के ट्वेल्व, थ्री एक्स इजकल टू सिक्स एक्स इजकल टू टू। इस प्रकार से एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड होगी। क्लियर, ये था आपकी एलिमिनेशन मेथड। मैंने कहा जहाँ पे आपका इक्वल आता है वहाँ पे आपको किसी का भी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, या एक्स इक्वल हो आपका या वाई इक्वल, एक आपको इक्वल करना होगा। क्लियर, क्वेश्चन आपका वही है बट आपको यहाँ वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। क्लियर, देखिए आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले या इक्वेशन सेकंड ले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूं मैं, तो क्या है थ्री एक्स इजकल टू माइनस के सिक्स माइनस के फोर वाई, वाई को उधर ले गया, एक्स इजकल टू लाना है तो माइनस के सिक्स माइनस के फोर वाई जो आपका कोफिशियंट है उसका क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आपका इक्वेशन चल। क्लियर, अब क्या है पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। मैंने आपसे पहले भी क्लियर कर दिया है ये कि आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप इक्वेशन लेके चलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं तो आप उसकी वैल्यू जो फाइंड होगी आपको जैसे एक्स की वाई की तो आपको सेकंड में रखना है, सेकंड से लेना है तो फर्स्ट में रखना है। क्लियर, तो आपने एक्स इन इक्वेशन सेकंड ये हो गया, तो रखें थ्री माइनस के सिक्स माइनस के फोर वाई अपॉन थ्री माइनस के वाई इज इक्वल टू नाइन। सॉल्व करें, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया यहाँ आप पे आपका, जब यहाँ कैंसिल नहीं होता है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे आपका कैंसिल हो रहा है तो माइनस के सिक्स माइनस के फोर वाई माइनस के वाई इजकल टू नाइन, तो ये आपका माइनस के फाइव वाई इजकल टू नाइन माइनस के सिक्स को इधर ले जाएंगे तो प्लस के सिक्स, तो माइनस के फाइव वाई इजकल टू फिफ्टीन, तो वाई इजकल टू क्या हो जाएगा फिफ्टीन अपॉन माइनस के फाइव, तो वाई इजकल टू माइनस के थ्री। क्लियर, अब क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, किसमें थर्ड में, थर्ड में रखेंगे वी गेट एक्स इजकल टू माइनस के सिक्स माइनस फोर इन टू वाई माइनस के थ्री अपॉन क्या है थ्री, तो एक्स इजकल टू माइनस के सिक्स माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस ट्वेल्व अपॉन थ्री, तो सिक्स वाई थ्री इजकल टू टू। इस प्रकार से आपको यहाँ पे दोनों मेथड मैंने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझाए हैं, तो इस प्रकार से आपको 3.4 के एक्सरसाइज में आपको ये सवाल दोनों मेथडों से सॉल्व करना है, और मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों मेथड आपकी समझ में आ गए होंगे। थैंक्स।